अपने पीयू के कोड को जानने के लिए दो दबाएं। 1, 2, 3, 4 तो आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गणेश और आप है हाउ टू फॉर यू में। दोस्तों, क्या आपने कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस किया है? यानी आप अपने सिम कार्ड में लॉक लगा देते हैं और फिर वो लॉक भूल जाते हैं, तो इसे रिकवरी कैसे करें? तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि हम सिम कार्ड का लॉक को रिमूव कैसे करें, रिकवरी कैसे करें। सो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सिम कार्ड या फ़ोन खोलते होगे तो आपको कुछ इस तरह का पासवर्ड प्लीज़ इंटर योर पिन ऐसा दिखाई देता होगा, 3 बार अटेंड करने के लिए दिखाता होगा। जब हम अपना पिन कोड डालते हैं तो ये इनकरेक्ट बताता है, तो हम इसमें करें क्या? तो 2 बार डालते हैं तो इनकरेक्ट दिखाता है, और 3री बार डालते हैं तो ये हमारा जो है सिम इस तरह से इंटर द पी ओ के कोड ऐसा दिखाता है। यानी हम 3 बार अटेंड करने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा जो सिम है वो लॉक हुआ है, तो बिल्कुल गलत है। अगर आपको ऐसे दिखाई दे 3 बार डालने के बाद, आपको बस पी ओ के कोड डालना है। और आपको ये पी ओ के कोड कहाँ मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो सबसे पहले तो अगर आपका सिम पी ओ के कोड दिखा रहा है, तो सबसे पहले आपको एक दूसरा फ़ोन लेना है और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो ये सिम है जिसमें पी ओ के कोड दिखा रहा है वो कौन सी कंपनी का सिम कार्ड है। तो मेरा जो है वो जियो का है, तो सबसे पहले मैं अपना दूसरा फ़ोन ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें दूसरा फ़ोन ले लेना है, वही कंपनी वाला, यानी वही सिम कार्ड वाला। और हमें, जैसे कि मेरा जो यहाँ पी ओ के कोड दिखा रहा है वो जियो का फ़ोन दिखा रहा है, जियो का सिम दिखा रहा है, तो मैं सबसे पहले दूसरे फ़ोन से जियो के कस्टमर केयर से फ़ोन करता हूँ वैसी सिम कार्ड से। यानी अगर आपके पास किसी दोस्तों का भी सिम कार्ड होगा तो उससे भी आप फ़ोन कर सकते हैं 198 में। तो 198 में मैं इसे कॉल करता हूँ और फिर कॉल कर करके आपको बता देता हूँ कि आपका पीओ के कोड क्या है। सो अब हमें कस्टमर केयर को ढूंढना है कि किस नंबर से हमें कस्टमर केयर से बात हो सकती है या कौन से ऑप्शन में पीओ के कोड का ऑप्शन आएगा। रहा है हिंदी के लिए, तो हमने 3 दबाया है और अभी हमें कंटिन्यू के लिए 1 दबाना है। तो 1 दबा दिया है हमने, अब हमें फिर से कंटिन्यू के लिए 1 दबाना है। तो अब देखिए यहाँ हमसे पीओ के कोड का ऑप्शन आया है 6 में 6वां नंबर पे, तो हमने 6 नंबर दबा दिया है। तो अभी कुछ डिटेल्स मांग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा कट कट करके वीडियोस शूट कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए हमने अभी दबा दिया है, तो अभी देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है जियो ट्यून्स के लिए 1 दबाएं, अपने पीओ के कोड को जानने के लिए। तो हमें दूसरे नंबर पे पीओ के कोड का ऑप्शन मिल रहा है, जियो का नंबर डालने के लिए कह रहा है, तो हमने नंबर डाल दिया है। अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन में 8, 7, 2 फॉर्म करने के लिए 1 दबाएं। तो हम 1 दबा के हम अपना जियो का नंबर कंफर्म कर लेते हैं। महीना एवं वर्ष डीडी एमएम, यदि आपकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1981 है, हमें अपना डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यानी जिसके नाम का सिम होता है जियो का, तो उसका डेट ऑफ बर्थ डालना होता है पूरा इस मंथ और ईयर के साथ। तो हम पूरा डाल देते हैं, उसके बाद 1 दबा के फिर से कंफर्म कर लेंगे हमारा डेट ऑफ बर्थ को। उसके बाद हमें अपना पिन कोड यानी पीओ के कोड मिल जाएगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आपका पीओ के कोड है 0000000। फोन पर पीओ के दर्ज करें और ओके दबाएं, और फिर अपना 4 अंकों का नया पिन दर्ज करें, जैसे 1, 2, 3, 4। उसी 4 अंकों के पिन को पुनः दर्ज करें, जैसे कि 1, 2, 3, 4। तो आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। अगर आपको आपका पीओ के कोड नहीं मिल रहा है, तो आप इस तरह से बड़े ही आसानी से कस्टमर केयर की मदद से आप अपने पीओ के कोड को जान सकते हैं, कोड का लॉक खोल सकते हैं।
और रिमूव कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।